पैकेजिंग क्रिएशन एंड लेबलिंग। आज हम इस वीडियो में पैकेजिंग क्रिएशन एंड लेबलिंग के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे लूज प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे तैयार करते हैं। संबंधित परचेज बिल में थर्ड प्रोडक्ट राइस बासमती 50 kg ये हमने लूज परचेस किया है। इसमें से हमें 500 ग्राम्स 1 kg 2 kg 5 kg ऐसे पैकेजिंग तैयार करने हैं और उसे बार कोडिंग करना है। इसके लिए बिलिंग मेन्यू पर क्लिक करें। इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट ये मेन्यू सिलेक्ट करें। सिलेक्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट मास्टर ये विंडो में पैकेजिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। लिस्ट ऑफ पैकेजिंग ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ऑटो लेबलिंग इस बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल एल ये की प्रेस करें। ऑटो लेबलिंग डॉक्यूमेंट जनरेशन फ्रॉम बिल ऑफ मटेरियल ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें लूज आइटम के सामने जो प्रोडक्ट बिल ऑफ मटेरियल में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है उन प्रोडक्ट्स में से जिसका स्टॉक बाकी है सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट्स लूज आइटम के सामने दिखाई देंगे। प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। एंटर करने के बाद संबंधित लूज प्रोडक्ट से तैयार होने वाले फिनिश प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। बिल ऑफ मटेरियल में संबंधित लूज प्रोडक्ट के लिए जो फिनिश प्रोडक्ट ऐड किया है सिर्फ वही फिनिश प्रोडक्ट्स पैक्ड आइटम्स में दिखाई देंगे। बिल ऑफ मटेरियल के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए बिल ऑफ मटेरियल ये वीडियो रेफर करें। पैकेजिंग तैयार करने के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। कर्सर क्वांटिटी में चला जाएगा। सिलेक्ट किए गए आइटम्स के कितने पैकेजिंग तैयार करने हैं वो क्वांटिटी टाइप करके एंटर की प्रेस करें। एमआरपी में आइटम की एमआरपी टाइप करके एंटर करें। सेल्स रेट में प्रोडक्ट का सेल्स रेट टाइप करें और एंटर करें। अन्य लूज प्रोडक्ट के पैकेजिंग तैयार करने के लिए इंसर्ट की प्रेस करें और उसका पैकेजिंग तैयार करें। इस तरह से सभी प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग तैयार करें और जनरेट बटन पर क्लिक करें। अब लिस्ट ऑफ पैकेजिंग डॉक्यूमेंट इस विंडो में नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इसमें लूज आइटम और पैक्ड आइटम्स दिखाई देंगे। बिल ऑफ मटेरियल में ऐड किए गए रेशियो के अनुसार लूज आइटम की क्वांटिटी कम हो जाएगी और पैक्ड आइटम की क्वांटिटी ऐड हुई आपको दिखाई देगी। प्रोडक्ट का बारकोड प्रिंट करने के लिए F2 की प्रेस करें। सभी प्रोडक्ट्स के बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंट एंटायर डॉक्यूमेंट इस बटन पर क्लिक करें। बारकोड की प्रिंट आ जाएगी।